वेलकम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा या चिकन दाना। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लाया हूँ। इसको काफ़ी अच्छे से धो ले, उसके बाद हमें इसमें जो सामान मिलाना है वो देख लेते हैं। हमें चाहिए 50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम मक्की का आटा, 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून एवरेस्ट का चिकन मसाला। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और पकोड़े अच्छे बनते हैं। एक नींबू और साथ ही साथ 50 ग्राम के आसपास दही। पकोड़ों को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए मैं एक अंडा भी यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें जो कलर है वो और नमक दोनों का काम ये वागजी का चिकन मसाला कर देता है। ये थोड़ा सा सॉल्टी भी रहता है, कलर अच्छा आता है और पकोड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं जब हम इसको मिक्स करके बनाते हैं। अब सभी इन्ग्रीडियंट्स को हम एक एक करके इस चिकन के पीसेस के अंदर हम मिला देंगे। बेसन, मक्की का आटा, धनिया पाउडर और चिकन मसाला, दही, साथ ही साथ लेमन भी मैं इसमें स्क्वीज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे चिकन के पीसेस का मैरिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब मैं इसमें डालूँगा अंडा। इससे होता है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो उसके ऊपर अच्छे चिपक जाएंगे। वागजी का जो चिकन मसाला है ये मैं डाल रहा हूँ। इससे कलर भी देखिए आप किस तरह से मैं मैश करके इसे बनाऊंगा और काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। मार्केट में जो पकोड़े बनते हैं उसका कलर इसी मसाले से आता है, वागजी का चिकन मसाला। इसके लिए हमको दूसरा कोई कलर इंग्रेडिएंट नहीं मिलाना पड़ता है। सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद में इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ढककर। अब एक गरम फ्राइंग पैन के अंदर तेल गरम कर लें और उसमें जो चिकन के पीसेस हैं इनको एक एक करके इस तरह से छोड़ते जाएं ताकि वो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा तेल में डूबा रहे और थोड़ा सा भाग उसका बाहर हो। फटाफट इस तरह से आप जो है चिकन के पीसेस को तेल के अंदर डाल लें, 5-7 मिनट उसको ऐसे ही पकाएं, फिर पलट लें। इस तरह से जब चिकन दाना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड भी उसकी हम तल लेंगे। इनको पलट लें, चम्मच की सहायता से पूरी तरह से इनको पलट कर दूसरी साइड को भी हमको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब चिकन दाना दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको आप एक प्लेट के अंदर निकाल लें। देखिए कितना बढ़िया क्रिस्प बन गए हैं, उसके ऊपर से कोटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। जब आप इसको पका कर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर अब हम जीरा वन डालेंगे। ये किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्टेड हो वो, और उसकी गार्निशिंग आप कर सकते हैं प्याज से, हरे धनिए से और हरी मिर्च के साथ में, नींबू के साथ अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये डिश तैयार हो जाएगी। और जितने भी गेस्ट हमारे घर आएंगे वो आपकी इस डिश की तारीफ़ करेंगे। थैंक यू।